उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 5 अगस्त को विज्ञापन की तिथि निकली हुई है और 25 अगस्त इन्होंने लास्ट डेट रखी है। अब मेन मुद्दे की बात कर लें, इनकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या, सैलरी रहेगी, ठीक है। तो देखिए टोटल पद 107 हैं, प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट के टोटल पद 107 हैं। वेतन मान इन्होंने 25,581,100 का लेवल 4 का रखा है और माध्यमिक शिक्षा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इंटरमीडिएट परीक्षा से अगर आपने 12th पास किया है, आपके पास कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आयु इन्होंने 18 से 42 रखी है जनरल के लिए। एससी एसटी को जैसे रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सब दिया जाएगा। अब प्रयोगशाला सहायक अगर आप फिजिक्स में आपके पास 12th फिजिक्स था तो आपके लिए वैकेंसी निकाली है इन्होंने, 18 वैकेंसी हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा जनरल एससी एसटी ओबीसी के लिए कितनी क्या है। उसी तरह प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए इन्होंने 18 वैकेंसी निकाली है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए इन्होंने 21, लैब असिस्टेंट जूलॉजी के लिए इन्होंने 21। उसी तरह जियोग्राफी में अगर आपने 12th किया है, आपका 12th में जियोग्राफी था तो आपके लिए 18 वैकेंसी है। गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 2 वैकेंसी निकाली है इन्होंने। इसी तरह करते करते ये देख लीजिए टोटल 107 वैकेंसी इन्होंने आउट की है, ठीक है। ट्वेल्थ में साइंस में अगर आपका केमिस्ट्री और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा इसका नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। अब इसका आप देख लीजिए, ये अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। अब आप एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये देख लीजिए इनका एग्जाम पैटर्न है। 2 प्रश्न पत्र आएंगे, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है। उसी तरह सेकंड पेपर जो होगा विषय पर एक जानकारी वाला होगा। अगर आपने केमिस्ट्री से आवेदन किया है तो केमिस्ट्री से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का होगा ये। अगर आपने जूलॉजी से किया तो जूलॉजी से, जिस विषय से आपने अप्लाई किया है उस विषय से पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 1/4 की रखी है, ठीक है। तो ये पूरा देख लीजिएगा, इसका डिस्कशन में लिंक डाल दिया, पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और इसमें आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा आपको, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में आप देना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसका भी पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको। ये पूरा सिलेबस इन्होंने दिया है इसमें, ठीक है। विषय परक जानकारी भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का देखिए पूरा सिलेबस है इसमें। उसी तरह हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। केमिस्ट्री का भी है, सबका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने लिंक डाल दिया तो ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है 12th पास वालों के लिए। साइंस एकेडमी, साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने 12th पास किया है उनके लिए बहुत अच्छे आवेदन निकले हैं, अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है।